subscribe now and press the bell icon, never miss update. कर सभी को तो मैं आज थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। 41 का ट्रैक्टर का मैं रिव्यू करूंगा ना, इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। आज मैं इसके एक वो बताऊंगा, ये ऑल्टरनेटर लगा रखा है उन्होंने डायनोमा, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, आप वीडियो देख रहे हो भाई, प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि बिना लाइक के यार रिव्यूज़ नहीं आते, तो यूट्यूब चैनल को आगे प्रमोट नहीं करता। पता नहीं क्या हो रहा, मेरे बहुत ज़्यादा व्यूवर्स आ जाते थे, लगभग 10-20 हज़ार तक भी, आप पता नहीं 200-250-300 तक जा रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, लाइक नहीं करते। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ दूँगा, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो जैसा आप देख सकते हो 241 आता है मैशी फर्गुसन का हाई लिफ्ट ट्रैक्टर है ये, ठीक है ना। इसका 241 सिंपल है ना, ईगल है ना महामान है। तो इस ट्रैक्टर में 600 के टायर आगे के मिल जाते हैं गुडियर के पीछे के 13-28 के। तो जैसा आप देख सकते हो ये लो पायदान में ट्रैक्टर आता है, 3 सिलेंडर ट्रैक्टर होता है, 25 cc का इंजन आता है सैमसंग का, ये देख सकते हो, ठीक है ना। इसमें वाटर सेपरेटर इधर लगवाया है, इसमें PTO मिल जाती है आपको दोनों साइड को, PTO लीवर ये देख सकते हो इधर दे रखा है, और इसमें डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर मिल जाता है, और इसमें 4 गियर फॉरवर्ड 1 गियर रिवर्स मिल जाता है ट्रैक्टर में हाई लो के साथ। ये हैंड ब्रेक हो गया इसका, ये तो मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन बेसिक्स दिखा रहा हूँ। वैसे मैंने ट्रैक्टर की भी रिव्यू पूरा अपने चैनल बनाया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हो। इधर हैंडल मिल जाते हैं, देख सकते हो दोनों साइड किधर से भी आप चढ़ सकते हो। डोल के इसमें ट्रैक्टर मिल जाता है, ठीक है ना। सिंगल में तो सिंगल मिल सकता है, थोड़ा पीछे से बता देता हूँ। इसमें 35 किलो की कंपनी फिटेड प्लेट मिल जाती है दोनों तरफ, यानी कि 70 किलो ट्रैक्टर में वेट मिल जाता है बैलेंस रखने के लिए। आप ये देख सकते हो ये 40 किलो वाट का डायनोमा है, ठीक है ना। और ये वैसे किराए पे भी चलाते हैं 500 रुपये घंटा, किसी किसान भाई को अगर ये बनाना हो तो बना सकता। ये शामली से लेकर आते थे 65,000 रुपये कब से, 10 साल पहले। 40 किलो वाट का ट्रैक्टर, बिल्कुल भी लोड नहीं रहता अब तक, इससे पानी भरा देख सकते हो खेत में पानी सारा, काफ़ी बेहतरीन चल रहा था। कोई रिडक्शन नहीं, कोई साउंड नहीं, कोई हंटिंग नहीं, किसी तरह का लोड नहीं, कोई धुआं नहीं ट्रैक्टर में, सुपर सुपर ट्रैक्टर चल रहा था जिसे कहते हैं, अभी मैंने चलता हुआ देखा, ठीक है ना। और ट्रैक्टर वाकई बहुत लाजवाब है, इस ट्रैक्टर के पूरे साउंड वगैरह सुनने हो, कुछ चीज़ भी देखनी हो तो आप अपनी मेरे चैनल की वीडियो में जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। उसमें आपको मिल जाएगा टोनर का ही बना रखा मैंने, और जी ईगल का ही बना रखा। इसमें भी आपको वेट मिल ड्रेक डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, अब जब ट्रैक्टर के अंदर ब्रेकिंग भी काफ़ी बेहतरीन मिली। इधर आप देख सकते हो इधर सब कुछ लिख रहा 27.2 किलोवाट की इसमें PTO पावर मिल जाती है, किलोवाट में है इधर ये, ठीक है ना, दिखा रखी है। और इसमें जो ऑयल वाला इसमें एयर बाथ क्लीनर मिल जाता है, एयर क्लीनर। और इसमें आप जो नए नए फीचर्स आ चुके हैं इधर देख सकते हो, इस ट्रैक्टर के ऐसे ऐसे फीचर आ गए हैं इस टाइम पर कि आप इसे ऊंचे पायदान में ले सकते हो, वेट मल्टी डिस्प्ले में ले सकते हो, अलग अलग डिफरेंशियल 5 गियर 2 फॉरवर्ड 5 गियर फॉरवर्ड 1 गियर रिवर्स में भी आ गया ट्रैक्टर। बहुत ही ज़्यादा शानदार ट्रैक्टर है अपने आप में, आप देख सकते हो। और इन्होंने 2015 मॉडल है ट्रैक्टर, ये 105 लाख रुपये का ट्रैक्टर लिया था उस टाइम पर, और कंपनी फिटेड अभी टायर टप्पे सब कुछ चीज़ ऐसा का ऐसे ही है। इन्होंने इससे पहले फोर्ड 3600 चलाया है, वो उस ट्रैक्टर को बोल रहे थोड़ा सा परेशान हो गया, क्योंकि उन्होंने पुराना लिया था, उन्होंने कहा था टूट फूट ज़्यादा होती थी, तो हमने 2015 में ये ले लिया था। इसमें आज तक कोई काम नहीं कराया, जैसा है ट्रैक्टर ऐसे का ऐसे चल रहा है। अब इसकी सुन लो, इसमें घंटे का 4 लीटर डीजल ले रहा है सिर्फ और सिर्फ, मैंने जिसके लिए आपको डेडिकेटली वीडियो बना रहा हूँ उसके बारे में आपको अब जानकारी दे देता हूँ। इसमें घंटे का 4 लीटर डीजल ले रहा है, ठीक है ना, और ये 500 रुपये घंटा से चलाते हैं। कोई किसान भाई बनाना चाहता तो बना सकता है, 65,000 रुपये 10 साल पहले था, आज के प्राइस के लगभग 70+ हज़ार होंगे, 70 से 80 होगा वो, लेकिन अपने लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 2 ट्वेल एक साथ चला सकता है, बस ट्रैक्टर में आपके दम होना चाहिए 60 हॉर्स पावर से प्लस ट्रैक्टर होना चाहिए, नहीं तो ट्रैक्टर दब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और किसी भाई ने चला रखा हो 60 हॉर्स पावर से कम पे तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना, और किसी पास हो जो मैसेज चलाता हो या अदर ट्रैक्टर कंपनी को चलाता हो 60-40 किलो वाट के रोटावेटर इस पे डायनोमो पे, तो मुझे बता सकता है कितना खर्चा उनका आ रहा है कमेंट में प्लीज़, ताकि मुझे भी जानकारी मिले किसान भाई, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी अपनी अपनी की सब तारीफ़ करते हैं अच्छा बताते हैं, तो ये भी जानकारी मिल जाएगी हमको भी आपके थ्रू, तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, इससे भी हमारी नॉलेज बढ़ती है, अच्छा लगता है आप जब कमेंट में कुछ भी चीज़ बताते हो बोलते हो। तो आइए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं,
जैसे भी ट्रैक्टर खड़ा है, स्टॉक खड़ा है, किसान भाई बोल रहे थे कि मैंने अदर से कुछ नहीं लगाया, सब कुछ मैंने कंपनी फिल्टर ली थी, ये बम्फर भी, और ट्रैक्टर वैसे भी बहुत शानदार है। और इस ट्रैक्टर मैंने तुम्हें बताया, 4 गियर 4 एक गियर रिवर्स के साथ आता है, 25 cc का इंजन होता है इसका, 3 सिलेंडर, जब भी ट्रैक्टर बेहतरीन चलता है, 42 HP का ट्रैक्टर होता है पूरा। इस ट्रैक्टर की साउंड भी काफ़ी शानदार है, हल्का ट्रैक्टर है। किसान भाई जो छोटे हैं, लगभग अपने 40-50 बीघे वाले किसान भाई हैं, उनके लिए बेहतरीन ट्रैक्टर होता है इस सीरीज का वाला अपना ट्रैक्टर। इनका खेत है लगभग ये 8-9 बीघा खेत है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इधर से लेकर के और इधर 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 ये सारा खेत उनको देखो कहाँ तक है, जितना भी जुताया दिख रहा ना, इसमें पानी करा, इसमें बोल रहे कि 7 फुट रोटावेटर मैं पूरे लीवर डाल के चलाता हूँ, पूरे मैं किराए पर नहीं चलाता, 7 फुट लीटर रोटावेटर पूरे लीवर डालने के बाद 5 लीटर 5.5 लीटर डीजल लेता है, इससे ज़्यादा डीजल नहीं लेता। तो आपको ट्रैक्टर कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल पर आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दो प्लीज़, क्योंकि लाइक के बिना मेरी वीडियो प्रमोट नहीं होती, यूट्यूब आगे नहीं भेजता। पहले 12-13 हज़ार व्यूवर्स आ जाते थे एक वीडियो पर, अब आ रहे 250-300 350 बस, इससे ज़्यादा आ ही नहीं थे। तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ कमेंट करके और मुझे बताना, कुछ कमी हो तो मैं उसको पूरी करूँगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दो, ना भी लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, और पहली बार सब्सक्राइब करना, थैंक यू।